हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है मेष राशि वालों के लिए। वीकली रीडिंग है 6 तारीख से 12 तारीख तक मार्च के महीने की, और उसके अलावा फुल मून की भी एनर्जी से इसी में चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस। ओके, एरीज राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस 6 मार्च से 12 मार्च तक। चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक डेथ। ओके, लवर्स, नाइट ऑफ वॉन्स, एस ऑफ कॉइंस, फोर ऑफ वॉन्स। चैलेंजेस बताएं एरीज राशि वालों के लिए, चैलेंजेस इस वीक के, चैलेंजेस फोर ऑफ पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स। ओके, सो एरीज राशि वालों, मुझे आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली आपके साथ रीयूनियन करने की चांसेस देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बहुत लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पार्टनर जो है आपको अप्रोच करने के बारे में सोच विचार करते हुए, इनफैक्ट एक्शंस लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिग्रेट या गिल्ट फील करते हुए नजर आएंगे इस हफ्ते, और ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो आपके साथ कहीं ना कहीं वक्त बिताना चाहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। खुद होकर वो आपको अप्रोच करते हुए, खुद होकर वो चीज़ें स्थिर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इंटरेस्ट पैदा होगा। अथॉरिटेटिव एनर्जी है, साथ ही साथ थोड़ी सी पॉलिटिकल एनर्जी है। यस, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आ तो रहे हैं बट थोड़ी बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी है इनकी। ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको जो है थोड़ा सा बातों को कन्विंस करने के लिए आपके सामने कुछ बातें बना बना कर या डिप्लोमेटिकली बातें करके आपको लाइक बोलते ना कि कन्विंस कर सकते हैं, ताकि आप इनकी बातों में आके इनको दोबारा प्यार दें, पहले जैसे हो जाएं। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो, आपके पार्टनर जो है आपका दिल की जीतने का प्रयास करेंगे। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील करेंगे आपको लेकर, और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है इस वीक में। ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाईली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स तो डेवलप करेंगे ही, बट साथ ही साथ उनके मन में ऐसा भी रहेगा कि वो आपके साथ फिजिकल भी हो, इमोशनल भी हो, और बहुत ज़्यादा आपको जैसे पाने की या हासिल करने की एनर्जी ज़्यादा है। जैसे कि ये व्यक्ति आपका आपका कहीं ना कहीं दोबारा आपके दिल में जो है अपनी जगह बनाना चाहते हैं, दोबारा ये आप इस रिश्ते को देखना चाहते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये चाहते हैं कि सब चीज़ें पहले जैसी हो जाए, जैसे पहले सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन बन जाए, और सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो जाए, इस तरीके की एनर्जी है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को लेकर अगर बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे थे कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, या अपनी गलती नहीं मान रहे, या कुछ चीज़ों को लेकर आप चाह रहे थे कि कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे, तो ये वीक आपके लिए क्लैरिटी देता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग चांसेस है जहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी देंगे। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ऐसी कन्विंस वाली एनर्जी देते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पर वो आपको बताएंगे कि दूसरे किसी भी व्यक्ति का उनके जीवन में इतना ज़्यादा महत्व नहीं है जितना महत्व आपका है उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ में आपका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है, वो आपके लिए कितना ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं। और साथ ही साथ आपके पार्टनर जो है किसी व्यक्ति के वजह से जेलस फील करेंगे। चांसेस है कि आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आया है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिस व्यक्ति को आपके पार्टनर पसंद नहीं करते हैं। ये न्यू पर्सन या एक न्यू ऐसा इंसान जो आपका दोस्त या आपका कोई फैमिली मेंबर है जिससे आप ज़्यादा उठना बैठना कर रहे हैं, जिनको लेकर आपके पार्टनर बहुत इनसिक्योर रहे हैं पहले ही, उनके साथ कोई पोस्ट या कोई ऐसी एनर्जी इन्होंने आपके लिए देखी है जो कहीं ना कहीं इनको अच्छी नहीं लग रही है, जिसके वजह से आपको अप्रोच करते हुए एक कंपटिटिव एनर्जी देते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाई लेवल ऑफ कंपटिशन क्रिएट हो रहा है इनके लिए। ये ऐसा फील कर रहे हैं जैसे आप इनके हाथ से निकल जाएंगे, या कहीं ना कहीं ऐसा फील करेंगे जैसे कि कहीं आपको खोना बैठे। इस वजह से ये आपको अप्रोच करते हुए, आपके पास खुद होकर आते हुए और चीज़ें स्थिर करने का प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट तो चाहते हैं, प्लस इसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लंबा लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म कनेक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब ये रिलेशनशिप टेम्प्रेरी नहीं रखना चाहते, या ऑन एंड ऑफ की स्थिति नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप दोनों की रिलेशनशिप में अब जो स्टेबिलिटी हो, या अब जो इस रिश्ते में जो बोलते ना कि ये रिलेशनशिप जैसा चले वो लॉन्ग टर्म चले, फ्यूचर
फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करे, आप दोनों के बीच हैप्पीनेस हो, आप दोनों के बीच पहले से ज़्यादा बेहतरीन बॉन्डिंग हो और आप दोनों एक दूसरे को समझ सके, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बेसिकली अगर ओवरऑल एक्शंस में मैं ध्यान दूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ओवरऑल एक्शंस में आपको लेकर सॉरी बोलते हुए या आपको लेकर गिल्टी फील करते हुए या अपनी गलतियाँ महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा लाइक एक फ्रेश स्टार्ट तो करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें वो इसलिए कर रहे हैं या बोल रहे हैं ताकि आप उनके हाथ से ना निकल जाएं, क्योंकि उनको बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है कि बहुत स्ट्रांगली वो फील कर पा रहे हैं कि आप ये रिलेशनशिप छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, इस तरीके की एनर्जी है। मैं आपकी एनर्जीज़ को देखती हूँ, यूनिवर्स मुझे बताएं 6 मार्च से एरीस राशि वालों की 6 मार्च से 12th मार्च तक क्या एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून प्लीज, 7 of coins, 8 of wands एंड 5 of cups। आप कन्फ्यूज हैं इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा, आप कहीं ना कहीं इनका अप्रोच तो देख रहे हैं, आप खुश हैं, एक्साइटेड है, डेफिनेटली इनके अप्रोच से आपको खुशी हो रही है कि सब कुछ अब फाइनली ठीक होने जा रहा है। ये तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आपके अंदर एक्साइटमेंट है पर आपके अंदर घबराहट भी है। इस व्यक्ति को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर आपके अंदर बहुत बेचैनी है और आपको लग रहा है कि पास्ट में जो चीज़ें घटित हुई हैं कहीं वो दोबारा घटित ना हो जाए, आप लोग दोनों के बीच में वापस से वही एनर्जीज नहीं आ जाए जिस एनर्जी से आप लोग गुजरे थे, यानी कि किसी पेनफुल एक्ट से आप लोग जो है गुजरे हैं और कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते कि आप रिलेशनशिप में दोबारा वो पेनफुल एनर्जीज को जो है फेस करें। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है, आप काफ़ी ज़्यादा डरते हुए, घबराते हुए और पास्ट को याद करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन को लेकर या अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ को लेकर एक्साइटमेंट है बट अभी भी आपको लग रहा है कि चीज़ें उतनी फास्ट नहीं जा रही हैं जितनी फास्ट आपने एक्सपेक्ट की थी। आप पिछले बहुत लंबे टाइम से पेशेंस रख के बैठे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये व्यक्ति आपको कुछ मतलब प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे और आपको प्रूफ करें कि ये आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। प्लस आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मुझे दिख रही है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। अब कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली किसी न्यू पर्सन की है पर कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी आपके करियर में है, आपके करियर या आपकी लाइफ में आप अपने आप को इतना बेटर पर्सन बना चुके हो कि आपको लग रहा है कि पीछे जा पाना आपके लिए इतना आसान नहीं है जितना आपने सोचा है। लाइक कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप दोबारा से ठोकर खाने से डरते हुए नज़र आ रहे हो, यूनिवर्स मुझे बताएं, क्योंकि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। यहाँ पर एनर्जी है कि आप ऑलरेडी बहुत चेंज हो चुके हो, आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ गए हैं और आपके अंदर अब ताकत नहीं है कि आप दोबारा से प्रयास करें, इस रिलेशनशिप में आप दोबारा एफर्ट डालें। यूनिवर्स मुझे और बताएं एडवाइस क्या है इनके लिए, एडवाइस क्या है एरीस राशि वालों के लिए, एडवाइस फॉर दिस वीक 6th मार्च to 12th मार्च, एडवाइस प्लीज। 7 of swords, ओके, विद द हैंगमैन एनर्जी है, ओके। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि गो स्लो, देखो पैचअप हो रहा है, डोंट बी रूड। अगर आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है तो अच्छी बात है बट डोंट ट्रस्ट ईजीली, ठीक है। ये जो आपकी एनर्जी है ना जहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो, जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि करना क्या है, इसमें बहुत स्लो जाओ, हाई एक्सपेक्ट मत करो कि एकदम से आके सामने वाला चीज़ें स्थिर करे, नहीं, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे स्थिर होंगी आपके लिए। बट आप एकदम से ट्रस्ट मत करो, फिर से आप इमोशनल मत हो जाओ, फिर से आप ऐसे मत हो जाओ जहाँ पर आपको बाद में चोट पहुँचे, आपको तकलीफ हो, वो सिचुएशन में मत आ जाओ। आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, स्लो स्लो आगे बढ़ो, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि अगर आप बहुत स्लो रखें, पेशेंस रखें, फेथ रखें, होप रखें यूनिवर्स पे और जैसे सोच समझ के कोई भी अगर कदम ले रहे हैं, बहुत स्लोली स्लोली जा रहे हैं, तो आपको इसी रिलेशनशिप में एक ग्रोथ मिल सकती है, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। मैं आप फुल मून की एनर्जी देख लेती हूँ, फुल मून की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं फुल मून ब्लेसिंग्स क्या हैं एरीस राशि वालों के लिए, फुल मून ब्लेसिंग क्या है मार्च मंथ की, फुल मून ब्लेसिंग। नेपच्यून की एनर्जी है, आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फैंटेसाइज करेंगे बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, कहीं ना कहीं फैंटेसीज में रहेंगे, ये वीक पूरा फैंटेसीज में रहेंगे, फैंटेसी मतलब भ्रम की एक दुनिया भी रहेगी, इल्यूजन, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें सत्य भी होगी, काफ़ी असत्य भी होगी, यानी कि समझो बहुत सारी आपके सामने ऐसी एनर्जी होगी जो रियलिटी में होगी बट बहुत सारी आपको कंफ्यूज भी करेगी। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ब्लेसिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो फुल मून एनर्जी में आपके लिए ब्लेसिंग कुछ लॉन्ग टर्म आता हुआ नज़र आ रहा है, या तो कोई ऐसा जॉब जो आपके लिए लॉन्ग टर्म रहेगा या कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपके लिए बहुत लंबा टाइम तक, बहुत लॉन्ग टर्म तक चलेगा, यानी कि आपके जीवन में कोई भी मतलब ऐसी एनर्जी नहीं आएगी
जो टेम्प्ररी हो. बट ध्यान रखना अभी आप इल्यूजन में ट्रैप्ड हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पोटेंशियल फॉर इल्यूजन की एनर्जी है प्लस नेपच्यून की एनर्जी है. ये भ्रमित दुनिया में आपको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. यहाँ पर केतु की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है जो भ्रमित दुनिया में आपको छोड़ देता है. ये एनर्जी में हमेशा आपको कहा जाता है कि आप पहले अच्छे से रिसर्च करें, यानी कि आप कोई भी फैसला लेने से पहले 10 बार सोचें, रिसर्च करें, सामने वाले के इंटेंशंस जान लें, सामने वाले की नीयत को समझ लें, उसे अच्छे से परख लें और फिर आगे बढ़ें. घाई घाई में एकदम से कोई डिसीजन मत ले लें, गो स्लो. आपके पास अगर 2-3 से ज़्यादा ऑप्शन हैं, 2-3 लोगों से ज़्यादा ऑप्शन हैं, तो आप दोनों तीनों चारों जो भी ऑप्शन हैं उनको अच्छे से पहले परख लें, जाँच लें, समझ लें, और उसके बाद ही जो है आप कोई डिसीजन पे आएँ, ठीक है. बाकी इस वीक मैं आपको एडवाइस करूँगी आप सूर्य को जल चढ़ाएं. सूर्य को जल चढ़ाने से आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा. ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करते हुए आप सूर्य को जल चढ़ाएं, नॉर्मल जल जो है डेली बेसिस पे आप चढ़ाएं, और यस ब्रेकफास्ट से पहले खाली पेट चढ़ाएं, ठीक है. तो ये थी एरीज राशि वालों आप लोगों की रीडिंग. अगर रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ढेर सारा प्यार दे सकते हैं. बाकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. अभी के लिए इतना ही. अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें. बाय, टेक केयर. ओम साई राम.